अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी समोसे का रिव्यू। ये एक फ्रोज़न प्रोडक्ट है, अल कबीर का चिकन समोसा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का समोसा है। मैं इसको हर वक्त अपने फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग है इसकी और साइज़ तो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इसका साइज़ बहुत पसंद है, ना ही ये बहुत छोटे हैं और ना ही ये बड़े हैं, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है इसका। चले तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसका बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है, ऐसा जैसे आपने घर पे ही बनाया हुआ है। अगर कभी आपका दिल नहीं है घर पे कुछ बनाने का और आपको फ्रोज़न प्रोडक्ट भी नहीं पसंद बाहर का कुछ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का है, क्रिस्पी है। पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया था, अब हम इसमें बारी बारी समोसे डाल देंगे। कोई घर पे कोई भी गेस्ट आ जाए तो मैं उसको ज़रूर चाय के साथ सर्व करती हूँ, और अगर मेरा कुछ खाने का दिल हो तो मैं इसको खुद भी चाय के साथ ले लेती हूँ टी टाइम में। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े का यमी है एंड क्रिस्पी। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ ताकि आप भी ट्राई करें। ये मैंने नेस्टो से लिया था और प्राइस भी इसका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। आप इसको इजीली ले सकते हैं और जब मर्ज़ी आप इसको फ्राई करके तो जट से खा सकते हैं। समोसे हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए, तो चले हम इसको निकाल लेते हैं। देखें कितने मज़े के हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी हैं, इसमें चिकन भी काफ़ी सारा है। आई होप कि आपकी मेरी वीडियो किसी काम हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।